पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखा जाए, आप अगर पुलिस से पूछ सकते हैं, आप डॉक्टर से जिन्होंने पोस्टमार्टम किया छोटू का उनसे पूछ सकते हैं। अरे 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 क्या बोल, हमको डर होता का? नहीं, डर की बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, एकदम वीडियो वायरल धड़ाधड़ चल रहा है कि उसको बिजली के शॉट से मारा जाता है। अरे शॉट शॉट निकलेगा ना, अगर ऐसा है तो बिजली का शॉट से अगर मरता है बिल्कुल, तो आपको बता देना चाहता हूँ कि वो भी गाड़ी डालने का काम किया, ऐसा क्यों किया? अरे आग में चिंगारी देने का काम तो उमेश यादव ने किया कि बिना समय निर्धारित बिना परिजन के सहमति से उन्होंने शादी रचाया है, यह कहाँ का अथी है भाई? इसका पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, बेटी बना के रखा, समाज उसके गांव के लोग कहते हैं बताते हैं, वही समाज उस पर नहीं कहा है उसको शादी कर दीजिए इनका। हाँ, मोनू और आरती का नहीं, कहीं ना कहीं कब तक कोई बेटी, अगर आपकी बेटी वहां पे होती तो आप क्या करते? अरे बेटी तो बेटी धीरेंद्र यादव का है जो कि जेल में है साहब, जो बेटी है वह धीरेंद्र यादव का है जिसे कि जेल में रखा गया है। अच्छा, आरती का आखिर किसकी बेटी है? धीरेंद्र यादव की, जो जेल में था, जिसका लेटर लेकर के मैंने आया था। उस लेटर में एक लेटर में लिखा था, एक बाप अपने बेटी के लिए क्या लिखता है जिससे भूचाल आ जाती है। चिरंजीवी आरती, हाँ, शुरू का हेडिंग वही है। हाँ, आरती छोटू का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, तरह तरह की अफवाहें अगर देख लिया जाए तो उड़ाया जा रहा है। किसके द्वारा? पत्रकारों के द्वारा। तमाम पत्रकार आते हैं तो कुछ ना कुछ करके ही जाते हैं, जैसे मानो एक अड्डा बन गया है आरती छोटू का घर। एक नया खुलासा आपको मैं बता दूं, आप इस तिरंगा को देख लीजिए, तिरंगा हमारे देश की शान है। लोग कहते हैं तिरंगे के बगैर हमारी जिंदगी अधूरी है, तिरंगे के लिए आन बान शान लोग अपना नौछावर करते हैं। ऐसे में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कृष्ण यादव जी, क्या नाम? बाल कृष्ण यादव जी हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है जोश एक्सप्रेस पे। कैसे हैं आप? अच्छे। जेल में थे, जेल से कुछ दिन बाद रिहा, कितने दिनों बाद जेल से रिहा होके आए हैं आप? जी 31-32 दिन के आसपास। एक आखिर ऐसा कौन सा समय आया, कौन सा केस था जिसके द्वारा आप जेल में गए थे? पहला क्वेश्चन। जी कोई केस नहीं था। आखिर क्यों, तो क्यों आपको जेल में डाला गया? FIR होता है, कानून आती है, हथकड़ी लगाती है, बताती है कि आपको इस जुर्म में जेल में डाल रहे हैं। नहीं वैसा कुछ नहीं, कुछ नोटिस नहीं। अभी कुछ नहीं नोटिस है। पहले अपराधी हैं जो बिन नोटिस के जेल में पहुंचे, पहला अपराधी हैं ना, उसके बाद उठा करके तब मुद्दे को ला करके तब केस कराया जाता है। हाँ वो तो होता है, एक नहीं तीन केस। अच्छा, तीन केस, तीन तीन केस है, इनको खबर ही नहीं होता है। शुरुआत करते हैं, आपका एक वीडियो बड़ा काफ़ी तगड़ा वायरल हो रहा है, लोगों द्वारा बनाया गया कि आप जेल से आते हैं तो चिट्ठी लेकर आते हैं। अब चिट्ठी इस कदर लेके आते हैं कि आज जैसे एक आग मानो बना हुआ है, छोटू आरती का मामला, उस मामले में आप आग की तरह एक चिट्ठी लेकर आते हैं और आग में डालकर धधकाने का काम करते हैं। वो चिट्ठी में ऐसा क्या था जो अब तक पब्लिक को आप बता नहीं पाए, और क्यों लाए चिट्ठी आप? प्रशासन ने एक एक करके 7 लोगों को गिरफ्तार कर करके जेल में डाला है। अपराधी को जेल में ही डाला, जिस तरह से देखा जाए तो छोटू की हत्या हो जाती है, छोटू को लोग मार के ऑन द स्पॉट हत्या कर देते, तो अपराधी हैं। अपराधी करने वाली कौन है? खुद की बेटी है। अगर आपकी बेटी आपको अपराधी घोषित करती है तो लोग सत्य मानेंगे, जाहिर सी बात है, आप भले ही अपराध ना हो लेकिन क्लेम तो लगाए उनकी बेटी। सबसे बड़ा अपराध छोटू ने किया। कैसे किया? 2 बजे रात में टीना काट करके घर में घुसना, यह सबसे बड़ा अपराध किया। ले, एक और खुलासा हो गया कि टीना काट कर। अब तक आप सुने थे कि आरती बुलाती है, आरती की भाभी बुलाती है, तरह तरह की अफवाहें हैं, लेकिन आज एक बड़ा खुलासा ये बता रहे हैं कि उसने टीना काट के कहाँ घुस गया? आरती के घर, धीरेंद्र यादव के घर। धीरेंद्र यादव के घर, कहीं ना कहीं धीरेंद्र और छोटू का पिता सत्संगी थे। लोग कहते हैं सत्संग में सब कुछ गमा सकते हैं लेकिन किसी का जान लेना ये कहां तक सत्य है? उन्होंने जान नहीं लिया, मैं खुलासा करता। आखिर छोटू मरा कैसे?
छोटू, हाँ छोटू को अब कौन बीमारी था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखियो पता चलेगा। बीमारी से मर गए साहब? मैं बोल रहा हूँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखा जाए, आप अगर पुलिस से पूछ सकते हैं, आप डॉक्टर से जिन्होंने पोस्टमार्टम किया छोटू का उनसे पूछ सकते हैं। अरे 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 क्या बोल रहे हैं, हमको डर होता का? नहीं डर की बात नहीं है, मैं आपको बता दूं एकदम वीडियो वायरल धड़ाधड़ चल रहा है कि उसको बिजली के शॉक से मारा जाता है। अरे शॉक निकलेगा ना, अगर ऐसा है तो बिजली का शॉर्ट से अगर मरता है बिल्कुल, तो आपको बता देना चाहता हूँ कि वो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट खुलासा करेगा उनका। चलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी क्लियर नहीं कर पाया है, उसी में आप एक और आग धधकाते हैं। जैसे ही आरती की शादी होती है दौड़ के आप लेटर आते हैं, लेकर आते हैं वो भी जेल से। ऐसा कौन सा नौबत आया और आरती को देने तक जाते हैं लेकिन आपका लेटर आरती तक नहीं पहुंचता है, कौन का क्या? उसका जो है ससुर, अब ससुर, हाँ, पहले उसका बेपरवाह बेटी था। बिल्कुल बेपरवाह, बिल्कुल बिल्कुल बेपरवाह बेटी जी, जो कि बिना परवाह किए हुए आ गया था उसके यहाँ। जी है? जी बिल्कुल, आरती बेपरवाह ही ना आई थी। बिल्कुल बिल्कुल, जो उसका प्रेमी था मारा गया था, ये तो पता है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बेपरवाह बेटी कहा जाए उसे। अच्छा, आज एक हम नया नाम बेपरवाह बेटी, अरे नया नाम जोड़ रहे हैं, बेपरवाह बेटी होगा उसका। और बेपरवाह बेटी जब शादी करता है उसका खबर हम लोगों को जेल में पत्राचार के माध्यम, हिंदुस्तान पेपर मैंने जैसे ही खोला उस दिन तो देखता हूँ कि एक वीडियो वायरल हो रहा, इस टाइप से न्यूज था कि जो आरती छोटू ने शादी कर लिया। ठीक, तो वो पृष्ठ मैंने तुरंत निकाला और धीरेन्द्र यादव को तुरंत भिजवाया। मैं गुमटी में था जहाँ पुलिस चौकी हुआ करता है जेल में, मैं वहीं बैठता था ज्यादातर समय, मैं उसी चौकी उसी जेल में आप भी रहा करते थे जिस जेल में धीरेन्द्र यादव हाँ। आरती के पिताजी हैं। ठीक है, जो पत्र आप उनको भेजा तो वो कौन सा पत्र देते हैं कि ले जाओ मेरे बेटी को दो, बेटी की शादी हो चुकी है, उनसे सारा सामना खत्म हो जाता है, कोई मतलब नहीं रहता है। वहाँ पर आप लेके जाते हैं, लोग कहते हैं कि अब आग बुझ गई थी, वहाँ आपने आग में चिंगारी डालने का काम किया, ऐसा क्यों किया? अरे आग में चिंगारी देने का काम तो उमेश यादव ने किया कि बिना समय निर्धारित बिना परिजन के सहमति से उन्होंने शादी रचाया है, यह कहाँ का अथी है भाई? उसका पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, बेटी बना के रखा, समाज उसके गांव के लोग कहते हैं बताते हैं, वही समाज उस पर नहीं कहा है उसको शादी कर दीजिए इनका, हाँ मोनू और आरती का नहीं, कहीं ना कहीं कब तक कोई बेटी, अगर आपकी बेटी वहां पे होती तो आप क्या करते? अरे बेटी तो बेटी धीरेन्द्र यादव का है जो की जेल में है साहब, जो बेटी है वह धीरेन्द्र यादव का है जिसे की जेल में रखा गया है। अच्छा, आरती का आखिर किसकी बेटी है? धीरेन्द्र यादव की, जो जेल में था जिसका हाँ। लेटर लेकर के मैंने आया था हाँ। उस लेटर में आज एक लेटर में लिखा था एक बाप अपने बेटी के लिए क्या लिखता है जिससे भूचाल आ जाती है, चिरंजीवी आरती हाँ। शुरू का हेडिंग वही है हाँ। आरती को आखिर एक बाप क्या मैसेज देना चाहता है, क्या मैसेज देना है शॉर्ट में बताए? मैं नहीं चाहूंगा कि पूरा पत्र को, लेकिन कुछ तो आपको जरूर खबर होगा कि इस लेटर का उद्देश्य क्या है। लेटर का उद्देश्य यह था कि आधार कार्ड साबित करता है कि तुम धीरेन्द्र यादव की बेटी हो। वो तो दुनिया जानती है कि धीरेन्द्र यादव की बेटी हो, दुनिया जानता नहीं हाँ। आधार कार्ड जो है कानूनी तौर पर, मैं कहना चाहता हूँ आपको कि वह जो है उसका बेटी है धीरेन्द्र यादव जी। तो आखिर क्या ऐसा रहा, क्या ऐसा रहा कि शादी होने के बाद आप जेल से आते हैं तो आपके द्वारा लेटर, और आप लेटर लेकर गए थे कि नहीं गए थे, ये मैं जानना चाहता हूँ। मैं लेटर लेके गया था, आरती के घर गए थे, छोटू के घर गए थे ना, छोटू के हाँ छोटू के घर गए, तो क्या आप आरती तक लेटर को पहुँचा पाए? नहीं। क्यों? उसका जो नवनिर्वाचित ससुर नवनिर्वाचित बताइए नवनिर्वाचित ससुर ने रोका आपको हाँ। क्या कहे कि नहीं लेटर उसके हाथ नहीं जाएगा हाँ।
तो आप बताए नहीं कि उसके बाप भेजे हैं? बाप का तो बोले लेकिन वहाँ कुछ ना चला मेरा, ये तो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। नव निर्वाचित इन्होंने घोषित कर दिया, जैसे आप देखते हैं ये भी एक लीडर है, यहाँ की जिला अध्यक्ष है, कांग्रेस की जिला अध्यक्ष है, लीडर है। लीडर जब जैसे ही नया घोषित होता है तो नव निर्वाचित लोग कहते हैं, उसी में से ये भी नव निर्वाचित उनको घोषित करके चले आए। इतना बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है उनसे? अरे काहे को डर, क्या कर लेगा मेरा वो? क्या कर लेगा मेरा वो? अभी नौ लोगों को जेल में खटवा रहे हैं ना। अरे तो बालकृष्ण यादव आप हो सकते हैं, ये मत कहिए कि यादव जेल के लिए हमेशा तैयार है। ये कैसे कह रहे हैं? अरे बालकृष्ण यादव जब 93 से जेल गिरा है 10 बार पहले, आइए 11वां बार था मेरा। अच्छा, 11वां बार जेल। बा भाई बा, लेकिन आपका कहना है कि मतलब आप भी उसी में वायरल होने के लिए तो नहीं चले गए? अच्छा, ये भी हो सकता है। देखिए एक नया खबर आ गया कि छोटू के पिता का कहना है, मोनू का क्या नाम है उसका, मन्नू के पिता का कहना है कि वो अपने आप को वायरल करने के लिए यहाँ लेकर आ गया, वो तो खुद अपराधी है, ऐसा कहते हैं वो। अपराधी क्या है, वो न्यायालय हमें जेल से बाहर निकाल करके साबित कर दिया। जेल से बाहर कर, में जाते कोई मतलब नहीं गया था आपको छुड़ाने के लिए। बस कीजिए। चलिए भैया, अब ये कुछ कहेंगे नहीं, चूंकि ये लेकर खत गए थे, जैसे हनुमान जी लेकर पहुंचते हैं, पहाड़ की जड़ी तुम्हें दूंगा, तुम जिंदा हो जाओगे, लेकिन उनके जड़ी नाकाम निकल गई और आरती वहीं की वहीं अपना घर बसा ली और आज ऐसो आराम से जी रही है कि नहीं? नींद और चैन सब चला गया होगा उनका। किसका? जब से चिट्ठी लेकर मैंने दरवाजा गया। हाँ, तो जरूर दिमागी हेडेक तो जरूर पड़ा होगा आरती को, लेकिन अब तक बताए नहीं कि उसमें क्या था ऐसा। चिट्ठी तो उनको मिल चुका बाद में। हाँ, लेकिन आपको तो पता होगा ना कि क्या उसमें लिखा गया होगा। हाँ, एक बाप अपने बेटी से क्या कहना चाहता था? हाँ, वो तो पता है। क्या कहना चाहता था वो? अंतिम पैराग्राफ एक लिखा था जो कि जहाँ कटिंग है, निर्भय यादव जो आरती को घर से निकालने और डेड बॉडी के साथ जाने के लिए रास्ता बनाया था, वो निर्भय यादव भी जेल में ही है। यह खबर अंतिम पैराग्राफ में है, आपको मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। तो आपको क्या लगता है, कि इस आरती कभी अपने, जिस तरह से कहते हैं कि मैं अपने इंसाफ के लिए लड़ती रहूंगी, मैं इंसाफ दिला के रहूंगी, छोटू को इंसाफ दिलाऊंगी, दिला पाएगी कि नहीं दिला पाएगी? अब वह मोनू के इंसाफ दिलावे क्योंकि मोनू केस में फंस चुका है। हाँ, केस में फंस चुका है मोनू। मुझे मेरा दोस्त संतोष पत्रकार बरगमा से फोन किया है, एफआईआर हो चुका है। अच्छा, अब मोनू जाएगा जेल, मोनू और अच्छा, इस केस में आपके द्वारा, नेताजी आपसे एक लास्ट मेरा सवाल होगा कि इस केस में आपके द्वारा अपराधी कौन है, हकीकत अपराधी कौन है अगर देखा जाए तो? मेरा इस केस में हकीकत अपराधी उमेश यादव है, जिसके सामने में तांडव होता रहा, जिसके सामने में आरती का या धीरेंद्र यादव का घर लूटा जा रहा था। तीन तीन मोटरसाइकिल मैंने उसके दरवाजे पर देखा है, डैमेज पड़ा हुआ है, एक घर को तो मट्टी तक नहीं रहने दिया। ये तो बहुत बड़ा झटका नहीं, एक बाप का बेटा अगर मरता है तो कहीं ना कहीं तकलीफ तो होता ही है। अरे बेटा मरता है, मान लीजिए मरता है, मरने का कौन सा कारण है उसे भी तो ढूंढ लीजिएगा। 2 बजे रात्रि को काहे गया था साला? बुलाया गया था, आरती बुलाई थी, प्यार करती आरती की भाभी, ऐसा लगाया जाता है कि उसको गोंद करा के आरतिया भागी अपने मामा के यहाँ, यही होता बुलाना, क्यों अगर साथ रहता बंद कमरा में तब न समझते। आप देख रहे हैं जिस तरह से हकीकत अगर देखा जाए तो एक एक बयान नेताजी जानते हैं, हालांकि किसी वीडियो में बोले चाहे ना बोले, लेकिन आज लग रहा है कि सारी बातें आप उगल देंगे, बहुत कुछ सच्चाई जानते हैं। दोनों हाथ में है, इतना अच्छा पत्रकारिता कर रहे हैं भाई। नाम क्या है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। जितेंद्र सिंह जी, जी जितेंद्र सिंह, जितेंद्र भाई आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने
एक समझौता लेकर के उमेश यादव के दरवाजे भी गए। वो भी समझौता को ठुकरा दिया जाता है। समझौता को ठुकराया नहीं, आश्वासन मिलता है कि देखा जाएगा उमेश यादव के द्वारा। उमेश यादव के द्वारा हाँ समझौता लेकर के गया कि दो यदुवंशी लड़ रहे हैं, मैं भी यदुवंशी ही हूँ। यदु कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। अरे वाह वाह नेताजी वाह। इसीलिए दोनों एक हो जाए, यही हम ऊपर वाले। बड़ा अच्छा आपका विचार, जिस तरह से वाकई होना चाहिए, जो हुआ वो हुआ, दोनों को एक होना चाहिए, है कि नहीं? बड़ा अच्छा लगा। आज हमारे बीच में थे गजब एक लीडर है, अच्छा है, और इनसे मिलकर बड़ा खुशी हुआ इस बात का कि खुलासा, खुले दिल से, खुले मंच से इन्होंने ऐलान किया। आज के लिए बस इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।